नमस्कार। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने लोकतंत्र और उत्तराखंड के अपराधी होने की एक नई परिभाषा गढ़ी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने अकाउंट से एक पोस्ट की है जिसमें उन्होंने कहा है कि 2016 में मेरी सरकार गिराने वाले दो तरह के लोग रहे, एक वह जो भाजपा में मुख्यमंत्री बनने के लोभ में गए थे और दूसरे वह जो धन के लोभ या धन और दबाव दोनों के कारण गए थे। उन्होंने मुख्यमंत्री पद के लोभ में जाने वालों को लोकतंत्र और उत्तराखंड का अपराधी माना है और धन के लिए जाने वाले लोगों के लिए कहा है कि उनसे मेरा कोई गिला नहीं है। यह कमाल की बात है। हरीश रावत बागियों के लिए हर दिन अपनी परिभाषा बदल रहे हैं। एक दिन वे सभी बागियों को महापापी कहते हैं, दूसरी बार वह बागियों का वर्गीकरण पापी बागी और इनोसेंट बागी के तौर पर कर देते हैं और अब अपनी सुविधा के हिसाब से एक और नया फार्मूला लेकर आए हैं और वह यह कि धन के लालच में किया गया कृत्य उनके हिसाब से जायज है और कुर्सी या पद के लोभ में किया गया कृत्य उनके हिसाब से जायज नहीं है। बार बार बदल रही परिभाषा से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी की मन स्थिति और राजनीतिक समीकरणों को समझने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन इससे पहले यह जान ले कि दल बदल कानून उनकी पार्टी के प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी लेकर आए थे और क्यों लेकर आए थे, किन परिस्थितियों में लेकर आए थे, इस पर बात होनी चाहिए। इसके बाद आगे की बात करेंगे। 1967 के समय में कमाल हो गया और देश में दल बदलों के कारण 16 महीने के भीतर 16 राज्यों की सरकारें गिर गई थी। इसी समय हरियाणा के विधायक गयालाल ने एक दिन में 3 बार दल बदल कर हरियाणा की राजनीति में कीर्तिमान रच दिया था। दल बदल कानून 1 मार्च 1985 में अस्तित्व में आया ताकि अपनी सुविधा के हिसाब से पार्टी बदल लेने वाले विधायकों और सांसदों पर लगाम लगाई जा सके। 1985 से पहले दल बदल के खिलाफ कोई कानून नहीं था। उस समय आयाराम गयाराम का मुहावरा खूब प्रचलन में था। यह मुहावरा हरियाणा के विधायक गयालाल के कारनामे के बाद ही चलन में आया था, लेकिन 1985 में राजीव गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार इसके खिलाफ विधेयक लेके आई। संविधान में 25वें संशोधन के नाम से यह विधेयक जाना जाता है। इसमें विधायकों और सांसदों के पार्टी बदलने पर लगाम लगाई गई। इसमें यह भी बताया गया कि दल बदल के कारण इनकी सदस्यता भी खत्म हो सकती है। हालांकि बाद में 2003 में इस कानून में संशोधन भी किया गया जिसमें कुछ प्रावधान जोड़े गए। इनमें यह भी एक प्रावधान जोड़ा गया कि अगर एक पार्टी के 2/3 सदस्य मूल पार्टी से अलग होकर दूसरी पार्टी में मिल जाते हैं तो उनकी सदस्यता नहीं जाएगी। अब बात करते हैं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी की। अब हरीश रावत जी की जो नई पोस्ट है इससे यह इंगित होता है कि वो किसी उधेड़बुन में है और आने वाले समय में होने वाली घटनाओं को पहले से ही जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ तो वह बागियों को गले लगाने के लिए बेताब है, वहीं हरक सिंह रावत का नाम आते ही वो परेशान हो उठते हैं। उनको 2016 याद आ जाता है जिसके लिए वो हरक सिंह रावत को सबसे ज्यादा जिम्मेदार मानते हैं, लेकिन यह तय है कि भारतीय राजनीति में आयाराम गयाराम का जो दौर था वह राजनीति के पतन के तौर पर याद किया जाता है। अगर वह राजनीति का पतन ना होता तो इतने कड़े प्रावधान ना किए जाते, इस तरह के कानून ना लाए जाते और यह भी सब जानते हैं कि दल बदल के पीछे धन लोभ ही बड़ी वजह रही है। पद के लिए या वैचारिक मतभेद के कारण दल बदल के उदाहरण कम मिलते हैं और अगर कोई बड़ा नेता पद के लिए या वैचारिक मतभेद के लिए दल बदल करता भी है, किसी दूसरी पार्टी से जाता भी है, उसके जाके मिलता भी है, तो उसके पीछे दौड़कर पाला बदलने वाले जो अन्य विधायक या सांसद होते हैं वे धन लोभ के कारण ही एक सीमा रेखा से दूसरी पार्टी की सीमा रेखा में प्रवेश करते हैं। यह सच किसी से छिपा हुआ नहीं है। हरीश रावत बड़े नेता है, उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे ज्यादा हिस्सा राजनीति को दिया है। वो धन लोभ के कारण दल बदल करने वालों को लोकतंत्र का अपराधी नहीं मानते हैं और पद लोभी को लोकतंत्र और उत्तराखंड का अपराधी मानते हैं। यह वे कैसे परिभाषित करते हैं, इसके पीछे के उनके क्या गणित है, यह तो वे ही ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। हो सकता है इस पर वो कुछ समय बाद और अधिक विस्तार से बात करें, लेकिन यह भी जानना जरूरी है कि उनके मित्र प्रीतम सिंह बागियों पर क्या राय रखते हैं, क्योंकि बागियों को लेकर जो अभी यशपाल आर्य और उनके पुत्र कांग्रेस में आए हैं ये राय बन रही है, ये मान्यता बन गई है, यह महसूस किया जा रहा है कि उनको प्रीतम सिंह लेकर आए हैं। क्या हरीश रावत कुछ को पास लाना चाहते हैं या कुछ को
पार्टी में आने देना नहीं चाहते, उनकी मंशा क्या है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या उधेड़बुन में वो लगे हुए हैं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो वक्त का थोड़ा इंतजार करना चाहिए। लेकिन यह एक बड़ा सवाल है कि उत्तराखंड की राजनीति में एक बड़ा चेहरा हरीश रावत, अगर राजनीति के पतन के दौर को दल बदलने वालों को यह कहते हैं कि मुझे उनसे कोई गिला नहीं है, तो यह एक सवाल तो छोड़ जाता है। उत्तराखंड की राजनीति पर नजर रखते हैं और फिर मिलते हैं जल्दी एक और स्टोरी के साथ। नमस्कार।